नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। जॉन started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। जॉन started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, written, produced and directed by John Matthew Mathan and starring Naseeruddin Shah, Aamir Khan, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 मई, इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म. रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 मई, इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म. रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन टिल इट फाइनली रिलीज्ड इन 1999. द फिल्म डील्स with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, produced and directed by John Matthew Mathan and starring Naseeruddin Shah, Aamir Khan, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, produced and directed by John Matthew Mathan and starring Naseeruddin Shah, Aamir Khan, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian पुलिस ऑफिसर्स क्वेस्ट टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइज, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन। स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज़, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनी है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि। John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड, म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, produced and directed by John Matthew Mathan and starring Naseeruddin Shah, Aamir Khan, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़. सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश. सरफरोश जो कि 1999 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, produced and directed by John Matthew Mathan and starring Naseeruddin Shah, Aamir Khan, Sonali Bendre and Mukesh Rishi. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं. डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं. नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने. प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल. रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999. रनिंग टाइम है 163 मिनट्स. कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी. बजट 8 करोड़. बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, pre-production and production till it finally released in 1999. The film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नैरेटेड म्यूजिक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है सरफरोश। सरफरोश जो कि 1999 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मथन एंड स्टारिंग नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे एंड मुकेश ऋषि. John started working on Sarfarosh in 1992. 7 years were spent on the research, प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन टिल इट फाइनली released in 1999, the film deals with an Indian police officer's quest to stop cross-border terrorism. So guys, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्टेड बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्क्रीन प्ले बाई जॉन मैथ्यू मैथन, स्टारिंग, ये सब आप देख सकते हैं। नरेटेड म्यूज़िक दिया है जतिन ललित ने। प्रोडक्शन कंपनीज है सिनेमैटिक पिक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोस इंटरनेशनल। रिलीज डेट है 30 अप्रैल 1999। रनिंग टाइम है 163 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 8 करोड़, बॉक्स ऑफिस 33.46 करोड़। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और के पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।